अब आपको दिखाते हैं जैन धर्म का इतिहास। इन जैन धर्म वाले इन बोली आत्माओं ने बिल्कुल जो का तो सही वर्णन दिया, इनमें छल कपट नहीं किया इन्होंने। बाकी अन्य संत कहते कुछ हैं, अपनी थ्योरी में घुमड़ कर उसको उलट सुलट कर देते हैं ना, इन्होंने जो का तो तथ्य दिया है। ये इनका मानना भी यही है कि कर्म तो जीव को भोगना ही पड़ेगा, ये भी सही है क्योंकि ब्रह्म तक की साधना का यही नियम है। ये भगवान पाप को, पाप का जो फल है उस पाप कर्म के दंड को नहीं समाप्त कर सकते, वो तो परमात्मा को ही और है संकेत किया वेदों में और साथ में पवित्र गीता जी, पवित्र बाइबल में, पवित्र कुरान शरीफ में, वो तो परमात्मा को ही और है, उसके बताने वाला संत भी और है। जो पवित्र बाइबल को बोल रहा है, पवित्र कुरान शरीफ को बोल रहा है, पवित्र गीता जी को बोल रहा है और पवित्र कुरान, पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब को जो गुरु नानक देव जी बोले, वो बता रहे हैं कि इन उस परमात्मा के लिए तो कोई संत ढूंढना होगा। अब ऐसे पवित्र गीता जी के बोलने वाला और वेदों के बोलने वाला खुद ब्रह्म कहता है कि मेरी पूजा तो ये है और उस परमात्मा की भक्ति पूर्ण ब्रह्म की करनी है तो कोई संत ढूंढ रहे, तो वो नहीं मिला। इस कारण वेदों को अपनी सोच से समझकर आप गुरु बनकर अपने आप ही ऋषि दिन उपदेश देने लगे। उनसे ओम नाम का जो जाप किया उसे प्रभु मिला नहीं, लेकिन औरों की साधना से ज्यादा लाभ मिल गया। स्वर्ग चले गए, देव बन गए, फिर 84 में फिर देव बन गए, फिर नीचे फिर देव बन गए, फिर नीचे फिर गधे बन गए और फिर नरक में गए। अभी दिखाता हूँ आपको प्रमाण कि क्या है। गीता जी में लिखा कि अर्जुन ये ज्ञान मैंने तुझे, मैंने पहले सूर्य को दिया था और सूर्य ने अपने पुत्र वैवस्वत अर्थात मनु को दिया था और मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु को दिया था। उसके बाद ये कुछ राजाओं तक तो ठीक चला, उसके बाद यह गड़बड़ी होगी। अब वो ज्ञान में फिर देने आया। अब विचार करो, वेदों तक का ज्ञान ये ब्रह्म देता है, वेदों में वर्णित विधि ओम नाम तक सीमित करता है। और वो ऋषभ देव जी कौन थे? ये इस इक्ष्वाकु वंशी थे, यानी वही सूर्य वंशी थे, सूर्य के पुत्र। ये सूर्य नहीं जो आपने ये दिखाई देता है आग का गोला, नहीं, एक सूर्य देव है और उस सूर्य देव के अंतर्गत ये विभाग आते हैं, ये रोशनी वाले। जैसे कोई चीफ मिनिस्टर बिजली वाला, बिजली बिजली का जो चीफ इंजीनियर हो या मंत्री हो, वो बिजली नहीं होता, वो आदमी अलग है, उसके अंतर्गत ये लाइट का महकमा अलग से आ जाता है, इलेक्ट्रिसिटी महकमा। तो सूर्य का पुत्र वैवस्वत अर्थात मनो, मनो का पुत्र इक्ष्वाकु, इक्ष्वाकु के फिर अगर वंशित राजा थे, राजा लोग ना भी राज के राजा का पुत्र श्री ऋषभ देव जी थे और ऋषभ देव जी को जैन धर्म का प्रवर्तक, सबसे पहला तीर्थंकर माना जाता है। अब वो वेदों अनुसार साधना करते और कराते थे, जैसा उन्होंने वेदों को समझा अपने हिसाब से ओम नाम का जाप करते थे। और फिर वो इतनी, क्योंकि वो पुण्यात्मा पहले पिछले भी संस्कार अच्छे होते थे, फिर साधना वेदों अनुसार यानी शास्त्रों पर प्रारंभ कर देते थे, शीघ्र उपलब्धियां हो जाती थी और वो इतने मदहोश हो गए। उनको 1000 वर्ष साधना की उन्होंने अच्छी और फिर उसके बाद उन्होंने अपने ही पोते मारीची, जो भरत का बेटा था, मारीची को उपदेश दिया, पहली दीक्षा अपनी तप साधना करने के उपरांत शीघ्र ही जब उन्होंने दीक्षा देना शुरू किया तो सबसे पहली दीक्षा मारीची को दी और मारीची ही आगे चलकर महावीर जैन बना, जो अंतिम तीर्थंकर है। और इस मारीची अर्थात महावीर जैन के जीव की जो दुर्गति, एक आप देखियो अपनी आंखें दे परमात्मा, करेजा हिल जाता, मेरा तो सही बताता हूँ ये परमात्मा, क्योंकि हमारी वो नशा उतर गया। हम ये सोचे थे सदा में ठाठ रहेंगे, ये मौज करेंगे, पर पहले तो सोचा करते थे, जब तक नाम ना लिया था, ये ज्ञान नहीं हुआ था, तब तक नशे में थे, अब नशा उतर गया। अब तो कोई ये कह देना पशु बनन अपन, या वाणी में कहीं आ जाता है कि तू जाने त्री ऐसे न बैगी हरदम लेखा बरना रही, तुमने उस दरगे का मैल नहीं देखा और धर्मराज के तिल तिल का लेखा, कलेजा न्यू करे परमात्मा, ये तो जुलम हो जाता अगर ये मार्ग ना मिलता। इसी प्रकार अब आप देखोगे
हे परमेश्वर नींद नहीं आओ जो मानस थोड़ा सा पहुंच में होगा तो कैसे ऐसा जुलम होता है परमात्मा देव कितना पहाड़ बचा दिया आपने हमारे ऊपर ऐसी रजा कर दी ऐसा शुभ मार्ग मिल गया। अब देखना उन पुण्यात्माओं से उपदेशी श्री ऋषभ देव जी जैसी पुण्यात्मा से उपदेश जो विधिवत शास्त्रों पर चलता था वेदों से नारा कोई उपदेश नहीं था और नाम का जाप था उस उपदेशी को लाभ भी हुए। लाभ हुए स्वर्ग गया देव बना फिर मनुष्य बना फिर देव बना फिर राजा बना फिर देव बना फिर राजा बना फिर देव बना स्वर्ग में गया और फिर लग्या पाप कर्मों का नंबर हे परमात्मा कलेजा फट जा निशान कर दे जा नटेक हो जा। इतनी दुर्गति हुई जब पुण्य खत्म हो रही है ना फिर पापों का नंबर आ गया नरक में गया गधा बना 60 करोड़ बार गधा 30 करोड़ बार कुत्ता हे परमात्मा उस पुण्यात्मा की ऐसी दुर्गति। अब यही बताने के लिए तो परमेश्वर स्वयं आता पांचवा वेद बताने के लिए कि ये साधना करते करते तुमने असंख्य योग हो गया तुम्हारा हाथ के लग गया हाथ मान ले मेरे पास कार भी है कोठी भी है खूब बालक भी बच्चे भी तड़का मर जाओ तो कल मृत्यु हो जाए फिर कुत्ता बनकर उसको ठीक ही छाया में ना बैठ दे ये बच्चे कड़मा लठ मारे कमर में तो अपने के हाथ लग गया। अब देखिएगा हमारे हाथ लगेगा जब हमारी जन्म और मृत्यु मिट जाएगी सतलोक पहुंच जाएंगे फिर ये सब झंझट कट जाएंगे परमात्मा। अब वो ऐसा जो साधना है वो दास आपको देगा और उसी के लिए सारा ये निवरण किया जा रहा है और इस पृथ्वी पर ये वास्तविक मंत्र आज के दिन नहीं है ये सत्कर मान लेना चाहे किसी का यकीन हो चाहे मत जिसका हो जाएगा यकीन वो पुनः भागी होगा नहीं 2 साल बादशाह फिर दिखा दूंगा और 4 वर्ष के बाद दिखा दूंगा बोली आत्मा जी ज्ञान समझेंगे फिर अपने आप माथे हाथ मारा करेंगे परमात्मा क्यों लेट हो गए पहले जाना चाहिए था ये देखना। अब जैन संस्कृति कोष जैन इतिहास संस्कृति कला अनुप्रातम प्रथम भाग ये है प्रोफेसर भागचंद्र जैन भास्कर इन्होंने इसका टीका किए इसका लेखन कार्य किया है संग्रह किया है नहीं और ये जैन धर्म के 3 में ऐसी ऐसी पुस्तकें ये इनको बिल्कुल मान्य हैं। ये ऊपर देखिए वही जैन संस्कृति कोष नीचे देखना देखें क्या प्रोफेसर भागचंद्र जैन भास्कर संगति प्राच्य शोध संस्थान नागपुर कला एवं धर्म शोध संस्थान वाराणसी यहाँ से और यहाँ देखिए प्रकाशक हैं लेखक तो वही हैं प्रकाशक हैं डॉक्टर प्रेमशंकर द्विवेदी मानद निषेधक कला एवं धर्म शोध संस्थान न्यू साकेत कॉलोनी वाराणसी BHU और भागचंद्र जैन भास्कर मानद निदेशक श्रीमती प्राच्य शोध संस्थान न्यू एक्सटेंशन एरिया तुकाराम वाल सदर नागपुर। अब इसमें आपको दिखाता हूँ 175 प्रश्न से प्रारंभ करते हैं 175 प्रश्न पे नीचे आइए यह इस तरह ऋषभ देव के